भारत देश में कोरोना वायरस के चलते सभी गतिविधियां रुक सी गई थी। अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित जैन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे थे। सरकार के आदेश के बाद अब धार्मिक स्थानों पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। काफी समय के बाद जैन मंदिर में पर्वधराज पर्व पर्युषण कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में जैन समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बताया जा रहा है कि हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व 8 दिन का मनाने के लिए सभी लोग काम करते हैं, जिसमें प्रतिदिन कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। 3 सितंबर से 10 सितंबर तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस अवसर पर गोल्डी जैन, अदिति जैन, राजीव जैन, राजेंद्र जैन, राकेश जैन, राजीव कुमार जैन के साथ मंदिर समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। सिटी चैनल से बात करते हुए महामंत्री राजीव कुमार जैन ने बताया कि काफी समय के बाद मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं राजीव कुमार जैन, महामंत्री श्री राजेंद्र जैन मंदिर सिविल लाइन मुरादाबाद। हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी पर्युषण पर्व आज 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 10 सितंबर तक चलते हैं। हर वर्ष 8 दिन का पर्युषण पर्व मनाया जाता है स्वतंबर जैन समाज में। इसके अंतर्गत अनेक धार्मिक आयोजन, महापूजन का आयोजन किया जाता है। 5वें पर्युषण पर्व पर जो जैन ग्रंथ है हमारा श्री कल्प सूत्र जी, उसका प्रवचन होता है, और उस प्रवचन के अंतर्गत जब भगवान महावीर के जन्म का वर्णन आता है, तो उसको हम लोग सभी जन महिमा महोत्सव के रूप में, भगवान महावीर स्वामी की जन महिमा महोत्सव के रूप में मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। और 8वें पर्युषण पर्व पर सामस्रिक प्रतिक्रमण, जैसे हम 84 लाख जीवों को प्रतिक्रमण करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं, उसी प्रकार हम समाज में एक दूसरे के प्रति गत वर्ष में जो भी गलती हुई उनके लिए एक दूसरे से क्षमा प्रार्थी मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। ये हमारे विशेष जो कार्यक्रम है वो 8 दिन पर्युषण पर्व में होते हैं। इसके अंतर्गत अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। गत वर्ष कोविड के कारण कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था। इस वर्ष भी कोविड महामारी के जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत ही सीमित संख्या में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जो भी
धार्मिक उत्सव हो रहे हैं उसमें सीमित संख्या में और सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को हम 8 दिन अपने करते हैं। और इन 8 दिनों में बहुत ही तप तपस्या, हमारे जैन समुदाय में तपस्या का बहुत महत्व है, तो उसी प्रकार इसमें हम तप और तपस्या का भी बहुत इन 8 दिनों में हमारा कार्यक्रम रहता है। घर घर में तपस्या होती है, उपवास होते हैं और कुछ लोग 8 दिन उपवास के साथ रहते हैं, सिर्फ वाइट वाटर के साथ 8 दिन वो उपवास रखते हैं, कोई अन्न या वो ग्रहण नहीं करते। 8 दिन बाद उनका उपवास का पारना होता है, तो बहुत अधिक महत्व हमारे जैन स्वतंत्र समाज में पर्यूषण बनता है।